कुमाऊं की अंतिम रेल सेवा काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर समाप्त हो जाती है और यहां से शुरू होता है कुमाऊं के पहाड़ी पर्यटक स्थलों का सफर। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों को परिवार दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन पर व्यतीत करना हर किसी की पहली पसंद होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। ऐसे में कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में लोगों का आगमन शुरू हो गया है, तो आइए जानते हैं पर्यटकों की पहली पसंद कुमाऊं के बारे में। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आजकल के बच्चे हाईटेक हो गए हैं एक्चुअली, जो है सब यूट्यूब में ब्लॉग देख 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 के समझते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, तो बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं हमको यहाँ घूमना है। सब वो उसका झील तल्लीताल मल्लीताल का झील और कसानी भी जाना है। बिकॉज मुझे बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेवल करना था और यहाँ ट्रेन आती है तो मुझे बहुत कन्वीनियंट था, मैं गाड़ी से ट्रेवल नहीं कर सकती थी छोटे बच्चे के साथ। सिक्स मंथ्स और हम फर्स्ट टाइम बच्चे को लेके बाहर आए हैं। हम लोग मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया बच्चे के साथ तो हम मुक्तेश्वर में जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हम वहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं। नैनीताल जाने वाले, फर्स्ट टाइम जाएंगे यार, और बाकी पैंगोट का सुना था वहाँ जाएंगे। वेदर है जी और क्या, बच्चों की छुट्टियाँ हैं और तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। मैं नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और कोसानी। इन जगह नहीं पहली बार है एक्चुअली। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में पूरा जो वेदर है वो गर्म रहता है तो ठंडे प्रदेश की तरफ जा रहती है। दो साल कोरोना के कारण कहीं जा नहीं पाए तो इस बार अभी टूर बनाया। मैं नैनीताल घूमने वाला हूँ और मैं नैनीताल के बारे में सुना है, और मैं अभी इससे पहले मसूरी और ऋषिकेश गया था तो अच्छा लगा मेरे को। बच्चों को, बच्चे हो गए, बच्चों को घुमाने के ही पूछे आए हैं हम लोग। वहाँ नैनीताल घूमे गए, वहाँ रानीखेत घूमे गए और जो जगह वहाँ जो पता चलेगा वो जगह। वहाँ की ब्यूटी, वहाँ बहुत पीस है, हरियाली। हाँ वहाँ पर जैसे कि काफी मंदिर है और एप्पल गार्डन, ये सब चीजें देखी है, अभी वहाँ जाके पता चलेगा। देखिए हम तो फर्स्ट टाइम आए, विशेष तो पता लगेगी यहाँ पर क्या है। फिर भी यहाँ का जो है शिमला मनाली के अकॉर्डिंगली थोड़ा यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, सब चीज़ बेस्ट है और रीजनेबल है। वहाँ ज़्यादा चीज़ महंगी है, ये फैमिली के बजट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। वो जाके पता चलेगा ना। अच्छा, वैसे नैनी झील और जू, स्पेशली तो जू के लिए आए हैं 5 से 4 डेज पहले। नहीं ऐसी मन कर रहा था आने का।